लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्या किया था कि लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी सारी, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, या फिर कुछ क्वेश्चंस अलग से भी हो सकते हैं नए टाइप के, ठीक है। तो उससे पहले फिर प्रॉपर्टी देख लेंगे या फिर फॉर्मूला देख लेंगे उनमें कौन सा लग रहा है। यहाँ पे पहले बेसिक इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला कि इवेलुएट करना है, ठीक है, लॉग ऑफ 27 टू द बेस 81, ठीक है। तो दोनों अपने को दिख रहे हैं कि 3 की पावर में कुछ है, तो 27 तो 3 रेज टू पावर 3 हो गया, और 81 क्या हो गया, 3 रेज टू पावर 4 हो गया। अपने को पता है कि ये जो ऊपर वाली पावर है ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगी, और ये जो 3 की पावर 4 लिखी हुई है यहाँ पे, ये क्या होगा, 1/4 होके आएगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो बेस की पावर होती है वो 1/4 होके बाहर आती है। और ये जो लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 लिखा है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग ऑफ a टू द बेस a 1 होता है अगर a पॉजिटिव हो तो, बस a 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 3/4। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या बोला कि लॉग ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3। तो 3 3 दिख रहा है, ये 3 दिख गया, ये 3 दिख गया, ये पता है 3 का स्क्वायर, 3 की टर्म्स में लिख लिया, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/2 टू द बेस 1/3। 1/3 है तो उसको 3 रेज पावर -1 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 3 की पावर 5/2, 2 और आधा 2.5 बन गया, 2.5 कितना है 5/2, तो ये 3 की पावर -1। अब इसको लिख दिया 5/2, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, 3 की पावर -1 थी वो यहाँ पे आ जाएगी, -1 बन जाएगी। तो ये आंसर कितना बनेगा, 5/2 माइनस का, या फिर -5/2 लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे पहला पार्ट है बोला है लॉग ऑफ cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है हाफ, और बेस में कितना है sin 30, sin 30 भी कितना होता है हाफ, तो आंसर सीधा सीधा वन आ जाएगा ना ये वाला। अच्छा, अब इसमें ये जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि लॉग ऑफ 1.3 का बार टू द बेस 3/4। 1.3 का बार लिख सकते हो क्या, 0.3 का बार क्या होता है, 0.3333 कितना होता है, 1/3 होता है, 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अगर इसको सॉल्व नहीं करना आता है ऐसे डायरेक्टली 1/3, तो क्या करो, वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला पढ़ा होगा तुमने, कि 1.3 बार को एक्स ले लिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x कितना हो जाएगा, 13.3 बार, फिर दोनों को घटा लिया आपस में तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। किसका, 0.3 बार का बता रहा हूँ, 1.3 बार का तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 1/3 है 0.3, तो एक और जोड़ा अगर इसमें 0.3 बार में एक जोड़ा तब जाके 1.3 का बार बनेगा ना, तो 1/3 + 1 जोड़ा तो 4/3 बनेगा। यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 4/3 टू द बेस 3/4। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सेकंड की, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है कि न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लॉग ऑफ 3/4 की पावर -1 टू द बेस 3/4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली -1 बाहर चला जाएगा, और उसके बाद लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 3/4 वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि बाकी क्वेश्चंस में क्या था कि सॉल्व फॉर एक्स नहीं था, इवेलुएट था, तो वो नंबर जो भी लिखे हुए थे पॉजिटिव थे, या फिर जो भी डोमेन थी वो डिफाइंड रह रही थी। अब इसमें डोमेन के बारे में तो कुछ बोला नहीं हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे क्वेश्चन देखते ही टूट पड़े क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले डोमेन लिखेंगे इस केस में, ठीक है। डोमेन का क्या मतलब है, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, ताकि अपने को पता तो हो ना कि ये एक्स अलाउड भी था या नहीं था। ये जो लिखा हुआ है लॉग ऑफ x टू द बेस 7, इसमें एक्स है आर्ग्यूमेंट में लिखा है, इसका मतलब एक्स पक्का ग्रेटर देन 0 रहा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले वाला टर्म जो है वो है 7 की पावर log(x)^7। तो एक मैंने बताया था कि ये एक्स और 7 आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये बन जाएगा x की पावर log(7)^7, log(7)^7 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, x+2x+9=0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x+9=0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे डोमेन से क्या आया था, x > 0। इन दोनों का आपस में क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन लेंगे। तो एक तो बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ये मान लिया नंबर लाइन अपनी, ठीक है, यहाँ कहीं 0 है, बोला है 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक बोला कि -3 होना चाहिए, तो इन दोनों में तो आपस में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा ना, तो एक्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर अगर डोमेन नहीं लिखते डायरेक्टली सॉल्व करते तो एक्स की वैल्यू आ जाती -3,
तो अगर -3 आ गई और तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो तुम लोग -3 टिक कर दोगे ऑप्शंस में, ठीक है, तो वो तो गलत आंसर है। और मान लिया डोमेन नहीं निकालनी थी तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आया है उसको पुट बैक करके देखेंगे। जब यहाँ पे पुट बैक करेंगे तो फिर ये ध्यान आएगा कि एक्स में नेगेटिव वैल्यू तो रख ही नहीं सकते थे लॉग में, तो ये रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लोगों ने ये वैल्यू को क्या किया है, रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। या फिर क्या करो, पहले डोमेन निकाल लो, फिर जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ, यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेना तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ भी बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसमें भी डोमेन लिख लेते हैं। ये लॉग के आर्ग्यूमेंट में लिखी हुई है चीज, -3 लिखा है, तो -3 पक्का 0 से बड़ा रहा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा रहा होना चाहिए। ये तो हमारी क्या आ गई, डोमेन। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये 2 की पावर में है, तो वही सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पहले किया है। तो 2 यहाँ चला जाएगा, बेस में 2 है ही, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा और -3 इसकी जगह चला जाएगा। तो -3 पूरे की पावर में ये +2 टाइम्स -3 -12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना बन गया, पूरा 1 बन गया। ये कितना बना, -3 + 2 टाइम्स -3 = 12 लिख दें। ये एक बार -3 लिखा है, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, 3 टाइम्स -3 = 12। तो यहाँ से -3 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा अपने पास 4 के बराबर। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या आंसर आएगा, मतलब तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 7 है 3 से बड़ा ही है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा अब इन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि x की वैल्यूज ढूंढनी है जो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, तो पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है कि log ऑफ x² to the base 2 = 1। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डोमेन लिख लिया, डोमेन का मतलब क्या कि x² should be greater than 0। हमें पता ही है x² हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बस x खुद क्या नहीं रहा होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं रहा होना चाहिए। तो अगर x 0 हो गया तो ग्रेटर देन 0 नहीं बचेगा ना। या फिर क्या किया कि ग्रेटर देन 0 है, x² greater than 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मतलब कि एक्स बिलोंगिंग टू रियल -0। सारे रियल नंबर हो सकते थे, बस 0 नहीं हो सकता था। ये क्या निकल के आई है अपनी, डोमेन। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n = a^2x। n का काम ये कर रहा है, a का काम ये कर रहा है, a^2x, तो 2^1 तो 2, x² आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ±√2 आएगी यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 तो हमारा आया ही नहीं है, अगर 0 आया होता तो रिजेक्ट करना पड़ता। ठीक है, तो अभी आंसर क्या आया, ±√2, तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो भी यही आंसर आएगा ना, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ x^3 = log(2 − x^3। सेकेंड पार्ट क्या है, लॉग ऑफ x − 3 = log(, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। x है वहाँ और 2 − x है और बेस में 3 है, बेस में 3 x, 2 − x और बेस में 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डोमेन की बात करी, तो डोमेन की बात करी तो x पॉजिटिव होना चाहिए पहले वाले के कारण, एंड दूसरे वाले के कारण क्या होना चाहिए, 2 − x पॉजिटिव होना चाहिए। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, x को इधर लेके गए तो ये क्या आ जाएगा, x < 2, और ये बोला है कि x > 0, दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि ये एंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बोला है कि x 2 से छोटा होगा और दूसरा बोला है कि x 0 से बड़ा होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा कि x किसके बीच में आ जाएगा, 0 और 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगेंगे। ये तो क्या आया, डोमेन आया, अभी सॉल्व तो अभी इसको करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है अभी। ठीक है, तो फिर डोमेन क्यों निकालना है हम लोग, अगर अभी इसको सॉल्व करना है तो, क्योंकि
क्योंकि डोमेन के साथ हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे ताकि अपने को पता चल जाए कि ये वाला आंसर रखना है या रिजेक्ट करना है। ऐसा हो सकता है ना कि एक्स की कोई वैल्यू आ जाए, मान ली एक्स की वैल्यू 5 आ जाए इसको जो सेटिस्फाई करें, लेकिन 5 रखने पे तो यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा ना, ये 2 - x में तो अनडिफाइंड हो जाएगा लॉगरिदम, तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब इसको सॉल्व किया, बेस दोनों के सेम है, 3 है बेस, तो अगर लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 3 दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट पक्का बराबर रहे होंगे, तभी आ सकता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 - x, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब देखा कि ये x इज इक्वल 1 इस डोमेन में लाई कर रहा है क्या, 0 से 0 और 2 के बीच में ही आता होगा x इज इक्वल 1, तो हाँ सही है, तो इंटरसेक्शन लेने में इसके बीच में ही आ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है इसने, ये लिखा हुआ पूरा नहीं दिख रहा तो मैं अभी बता देता हूँ। इसमें क्या है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 4 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस 4, तो थर्ड पार्ट क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 4 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स टू द बेस 4। तो सबसे पहले इसमें भी डोमेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन की बात करी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये वाला एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और ये वाला एक्स भी पॉजिटिव, तभी जाके दोनों लॉग डिफाइंड रहेंगे ना। ठीक है, तो इसमें डोमेन की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना, बस एक्स 0 ना हो। ठीक है, और एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये वाला दोनों में एंड है तो इंटरसेक्शन ले लिया, तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, एक्स शुड बी 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, 0 पे ओपन है और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई नंबर है नहीं। ठीक है, एक बहुत बड़े नंबर का रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, इसकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे तो नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पे ओपन लगा दिया, ये डोमेन हो गया अपना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने ये बोला पिछले क्वेश्चन में भी कि ये लॉग का बेस यहाँ पे और ये लॉग का बेस यहाँ पे सेम है, अगर दोनों लॉग की वैल्यू सेम आ रही है तो पक्का आर्ग्यूमेंट भी सेम रहे होंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे कैंसल आउट नहीं कर देंगे, जैसे ऐसे नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये काट दिया जी, ये 1 आ गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ऐसा करने से एक सॉल्यूशन मिस हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इसको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कैंसिलेशन करने से मिस होता है, यहाँ पे कैंसिलेशन करिए ना, ये नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे कॉमन लिया एक्स, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये वाला 0 रहा होगा, ये वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा, तो इसका मतलब एक्स 0 रहा होगा या फिर एक्स क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया अपने पास, लेकिन फाइनल आंसर नहीं आया अभी, इसका इसके साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये वाला 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, तो 0 तो आएगा नहीं 0 से इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि ये वाला 0 तो इंक्लूडेड नहीं है ना, ओपन है, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, फाइनली एक्स इज इक्वल 1 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब इस केस में अगर कैंसिल करके आंसर निकाल देते तो बाई चांस तुम्हारा सही आ जाता, क्यों बाई चांस सही आ जाता, क्योंकि इसमें 0 तो डोमेन में नहीं आ रहा ना, बट एक्चुअल में कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करके सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।